हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं वेरी यूनिक आइटम्स फॉर डेली यूज इन कन्वर्सेशन विथ मीनिंग एंड सेंटेंसेस हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक मुहावरे लेकर आए हैं जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा विध योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते हैं कि वो कौन कौन से मुहावरे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं देखते हैं सबसे पहला मुहावरा हमारा कौन सा है एप्पल ऑफ वंश आई एपल ऑफ वंस आय हिंदी में इसका मतलब होता है आंखों का तारा होना जी हाँ सबसे लाडला इंसान सबसे लाडला बच्चा या बच्चे हमारे घर का वो ही एपल ऑफ वंस आई होता है आंखों का तारा होता है हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं वाई माई ग्रैंड मदर लव्ड ऑल ऑफ इज वेरी मच बट माई यंगर ब्रदर वॉज द एपल ऑफर आय सबसे छोटा भाई मेरा मेरी ग्रैंड मदर का मेरी दादी का सबसे लाडला था और ही लव्ड इज टॉट ए वेरी मच शी वॉज द एपल ऑफ इज आय वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है उसकी बच्ची उसकी आंखों का तारा है ऑब्वियसली गर्ल्स होती ही ऐसी है नेक्स्ट इज एग हेड जी नहीं ये मैं अंडो की बात नहीं कर रही हूं एग हेट मीन्स बहुत ही बुद्धिमान जी हां ये भी एक मुहावरा है चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ बंच ऑफ एग economists to टू library लाइब्रेरी वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोगों को इकोनॉमिस्ट को अपनी लाइब्रेरी में लाएगा और सच एन एग हेट यू विल डू वेल इन योर एग्जाम तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और बुद्धिमान हो तुम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे एग हेड एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है जो आप अपने फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं जब आप इनको यूज करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स मुहावरों को जब भी आपको ये प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट इज फिट ऑफ एंगर बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी किसी के नाक पर गुस्सा बैठा रहता है ना फिट ऑफ एंगर द लिटिल गर्ल हैड अ फिट ऑफ एंगर वेन हर मदर रिफ्यूज टू बाय हर द डॉल दैट शी दैटेड उस बच्ची को जो डॉल चाहिए थी उसकी मम्म ने जब रिफ्यूज कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया फिट ऑफ एंगर और ही हैड अ फिट ऑफ एंगर ओवर द ब्रोकन आइसक्रीम मशीन किसी की किसी आदमी की आइसक्रीम मशीन टूट गई थी तो उसको बहुत गुस्सा आया फिट ऑफ एंगर बहुत ही अच्छा मुहावरा है ये भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाले लोगों के लिए है नेक्स्ट इज बैड एप्पल खराब एप्पल नहीं खराब सेब की बात नहीं हो रही है बुरा इंसान बैड एप्पल बैड एप्पल खराब सेब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बुरा इंसान की बात हो रही है बुरे इंसान के लिए यूज करते हैं बैड एप्पल The best way to deal with the bad apples is to take them out of the group as quickly as possible. जैसे बुरी कंपनी के लिए पेरेंट्स बोलते हैं ना कि उससे दूर हो जाओ उस फ्रेंड से दूर हो जाओ He is not good. ऐसे ही bad apple. He is a real bad apple. After five minutes with my usually well behaved kids, they are all acting out. Obvious है Next is my heart goes out to किसी के दुख में दुखी होना

नेक्स्ट इज टॉप बनाना आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या फल सब्जियों की बातें हो रही है? <laughs> हैं पर ये मुहावरे हैं टॉप बनाना का मतलब होता है निर्णय लेने वाला और किसी ग्रुप का मुखिया ही लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम टॉप बनाना और बिफोर ही बिकेम द टॉप बनाना ही वॉज मच फ्रेंडलियर एंड मोस्ट लाइकेबल पर्सन उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मुखिया बनने की निर्णय लेने वाला बनने की और जब तक वो मुखिया नहीं बना था वो कोई टॉप का नेता नहीं बना था वो बहुत फ्रेंडलियर था और बहुत ज्यादा पसंद भी था लोगों को नेक्स्ट इज इग्नोरेंस इज ब्लेस इग्नोरेंस इज ब्लेस कभी कभी किसी बात का पता ना होना फायदेमंद होता है ही नेवर कीप्स अप विद द न्यूज और केयर्स अबाउट द ट्रबल इन द वर्ल्ड बिकॉज ही बिलीव द इग्नोरेंस इज ब्लेस मैं डर जाती हूँ ऑब्वियसली सब डर जाते होंगे फ्यूचर के बारे में सुन के प्रलय आने वाली है और ये आने वाला है और वो आने वाला है कोविड से ऐसा होने वाला है तो किस, कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज होती है जो मैं भी अवॉइड कर जाती हूँ कि मुझे नहीं सुननी ये सब इट्स ओके नॉट टू नो एवरी थिंग इग्नॉरेंस इज कभी कभी अच्छा होता है कुछ चीजें अवॉइड कर देना ज्यादा चीजें नहीं सुननी चाहिए अच्छा टीवी देख कर समय खराब करने वाला ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है स्टॉप बींग काउच पटेटो और यू शुड बी मोर एक्टिव एंड लेस ऑफ अउच पोटैटो काउच पटेटो मीन्स बैठे बैठे सिर्फ टीवी देखना वहीं पे खाना वहीं पे पीना और वहीं पे बैठे रहना नो स्टडी नो एक्टिवनेस नथिंग लेजी बोन की तरह उधर ही रहना उनको कहते हैं काउच पटेटो यूज करिए इसको जो लेजी बोन हमको देखे जो आलसी लोग देखे उनके लिए स्टॉप बिंगा काउच पटेटो नेक्स्ट इज आहार नट टू क्रैक आहार नट टू क्रैक लोहे के चने चबाना लोहे के कोई चने नहीं होते हैं एक मुहावरा है इसका मतलब होता है द थर्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना उसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहा था द थर्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक और मेकिंग दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी अ हार्ड नट टू क्रैक कुछ मुश्किल चीज कुछ मुश्किल डिसीजन आपके सामने आने वाला है कुछ मुश्किल काम आपके सामने आने वाला है तो आप कहेंगे क्रैक नेक्स्ट इज स्वीट टूथ ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है मीठा बहुत पसंद करने वाले लोगों के लिए <laughs> आप उनके लिए यूज करिए आपके घर में यूज करिए इफ यू हैव अ स्वीट टूथ इट इज मच बेटर टू मेक दम पार्ट ऑफ अ मील और स्वीट टूथ इज कॉजिंग मेजर कैविटीज बहुत ज्यादा बच्चों को मीठा पसंद होता है तो कैविटीज हो जाती है कीड़े पड़ जाते हैं सड़न हो जाती है तो मीठा पसंद करने वाले लोगों के लिए यूज करते हैं स्वीट टूथ फ्रेंड्स ये कुछ इडम्स थे आप लोगों के लिए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और सजेस्ट करिए हमको कि हम कैसी वीडियोज आपके लिए बना के भेजें थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ नमस्ते गॉड ब्लेस यू ऑल